उन्होंने अपने आप को कभी ऊपर नहीं समझा। उस लीडरशिप ने अपने आप को अपने लोगों में ऊपर नहीं समझा। उसकी मिसाल मैं बताऊंगा आप। ऑर्डर हो गया मार्च का, तो वो बाकायदा जिस तरह फौज का सिस्टम हो, चार चार आदमी होके और बेलचे वो कंधों पर थे, तो वो वहां से निकले हैं मार्च, बड़ी लंबी कतार बन गई थी, हम भी साथ साथ दौड़ रहे थे, वो देख रहे थे। तो जिस वक्त वो जैश आ रहा था और उस जैश के बीच में मार्च करते हुए हजरत इलामा साहब खुद भी थे, यानी वो उस वक्त मार्च में थे, यानी वो सालार नहीं थे, वो उसमें थे। तो ये डीसी का जिधर दफ्तर है इसके सामने दरख्त भी है, मुझे उसी तरह सामने सब कुछ याद आ रहा है। वहां पे एकदम एक आवाज काशन हुआ है, तो तमाम जाय खड़ा हो गया ना, पता नहीं पीछे किधर था, बड़ा लंबा था, मेरा ख्याल में मीट कर वो जैश वो खड़ा हो गया। तो फिर वो दूसरा काशन हो जो सालार थे उन्होंने जो दूसरा दिया, तो इलामा साहब बाहर निकला। इलामा साहब से कोई गलती हुई है क्या हुआ है मुझे नहीं पता। तीसरा काशन जो हुआ तो वो एकदम इस तरह हो गए, वो सदा के लिए तैयार हो गए हैं। और हमने देखा है इलामा साहब को दुरे पड़ते हुए, देखा है किसी ने किसी पार्टी के लीडर को इस तरह के वो दुरे खा रहा हो अपने वर्करों से, वर्कर से वो दुरे मार रहा हो। ये थी वो तंजीम और ये था वो सोच, ये था वो ख्याल। हमें बड़ा अफसोस है कि हम लोगों ने नहीं कभी बस जी जी दो मिनट ओके जी ओके सरदार साहब बहुत ही अच्छा बात है। ये जो आपने मिसाल सुनाई है ये लामा साहब ने तारीख जो बनाई थी, और लामा साहब चाहते थे कि मैं कुरून औला के नबी भी इस्लाम